Assalamualaikum and good evening. You're watching Prime Time with Neelam Nawab. नाज़रीन कल के बाद आज का दिन भी अदालती कार्रवाइयों का दिन ही रहा. सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मसले पर एक तवील समाअत हुई. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में बहुत अहम रिमार्क्स दिए. उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती की गई है लेकिन नोटिफिकेशन एक्सटेंशन का है, किसी ने पढ़ने की जहमत भी नहीं की. वजीर आजम ने समरी और एडवाइजर तैनाती की भेजी और नोटिफिकेशन एक्सटेंशन का भेज दिया. चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर को भी ऐसे तैनात नहीं किया जाता जैसे कि आप आर्मी चीफ को तैनात कर रहे हैं और आपने आर्मी चीफ को शटल कॉक बना दिया है. हम आपको कल तक का वक्त दे रहे हैं, हल निकाल लें. बसूरत दीगर हमने आईन का हल्फ उठाया है, आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे. अब आज की इस हेयरिंग के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफार किया, एम्फेसाइज किया कि मुद्दत मुलाजमत 3 साल के लिए है, 3 साल के बाद क्या होगा. इस पर अटॉर्नी जनरल का रिस्पॉन्स था कि 3 साल तो नोटिफिकेशन में लिखा जाता है. चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान हेयरिंग ये भी कहा कि बहुत सारे कवायद यहां पर खामोश, कुछ रिवायतें बन गई हैं और माजी में 6 से 7 जनरल एक्सटेंशन लेते रहे हैं, किसी ने पूछा तक नहीं. अब मामला हमारे पास आया है तो तय कर लेते हैं कि इसी सूरत हाल पर हमने देखा कि आज वजीर आजम भी जेर सदारत जो है उनकी जेर सदारत एक हंगामी सेशन बुलाया जाता है जिसमें जो सीनियर लीडरशिप थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत वो भी शरीक हुए इस सेशन में और जो लीगल टीम थी वो भी सामने उनके नजर आ रही थी. अब ये सारी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती नजर आएगी, कल तक कहां बात जाकर ठहरेगी, हम इसको अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे. और इस अहम इशू पर सवालात अभी उठाए जा रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से क्यों गलतियां की जा रही हैं और क्या गलतियां हो रही हैं, हम इसको भी जेरे बहस लेकर आएंगे. उसके अलावा दूसरा एक अहम केस भी आज हमने देखा कि उसकी भी कार्रवाई हुई कोर्ट्स में और वो परवेज मुशरफ साहब का संगीन गद्दारी हाई ट्रीजन केस का फैसला था, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना दिया आज. और फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशरफ के खिलाफ जो हाई ट्रीजन केस है उसका फैसला अब स्पेशल कोर्ट्स की जानिब से जो कि कल सुनाया जाना था लेकिन उस फैसले को रोकने से मुतालिक जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की दरख्वास्त थी उसको आज कबूल करते हुए अपने हुक्म में कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि स्पेशल कोर्ट्स 28 नवंबर को परवेज मुशरफ के खिलाफ गद्दारी केस का फैसला ना सुनाए. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट 5 दिसंबर तक प्रोसिक्यूशन टीम तैनात करे और फिर स्पेशल कोर्ट्स फरीकैन को दोबारा सुनकर फिर फैसला करे और स्पेशल कोर्ट जो है वो परवेज मुशरफ के वकील सलमान सफदर को भी सुने. ये सेकंड जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस था आज के दिन के हवाले से ये उसकी कंक्लूजन है. इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर अपनी डिस्कशन का आगाज करें हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलें. हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब फैसल हयात खान साहब, एडवाइजर टू सीएम पंजाब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है. और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है. और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर गयान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है. गौस मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है. अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि कल के बाद आज का दिन भी बड़ा हैपनिंग जो है वो रहा अदालती कार्रवाइयों को लेकर और अब जो आने वाला कल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो दिन साबित होगा. अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम पहले लीगल एस्पेक्ट्स जो है यहाँ पर उस पर डिस्कशन करना चाहेंगे, सवाल उठाना चाहेंगे. जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब ये बताइएगा कि अब हमने देखा था कि जब कल की हेयरिंग एडजर्न हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत से 3 सवालों के जवाब चाहिए थे. उन्होंने आर्मी चीफ के मामले पर हुकूमत की लीगल पोजीशन क्या है, प्रोसीजर और प्रोसेस क्या अपनाया गया है और आर्मी चीफ की जो मुद्दत है जो एक्सटेंशन है उनको उसकी देने की वजूहात क्या है, ये 3 सवालात जो है ये उठाए जा रहे हैं कोर्ट्स की जानिब से. और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की जो ये कहिएगा कि उनको शायद थोड़ा सा सरजनिश भी की है और सरजनिश करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को आपने शटल कॉक बना दिया है, इस तरह तो किसी असिस्टेंट कमिश्नर को भी अपॉइंट नहीं किया जाता जैसा कि आपने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की है. तो अब सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि हुकूमत में क्या कोई भी ऐसा वजीर मौजूद नहीं, ऐसा लीगल एक्सपर्ट मौजूद नहीं जो इन कानूनी मामलात को दुरुस्त तरीके से कंडक्ट कर सके, क्या क्या लीगल प्रोसीजर यहां पर जो है वो इग्नोर किए जा रहे हैं बार बार. बहुत शुक्रिया. ये एक बड़ा हसास किस्म का मौजू है जिसमें हम बात कर रहे हैं
چونکہ یہ کیس عدالت میں ابھی زیر سماعت ہے، سب جوڈس معاملہ ہے، ہمیں اس پہ بڑی محتاط گفتگو کرنا پڑے گی۔ تو پہلے نمبر پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالتی کاروائی دو دن ہوئی ہے، کل کا دن اور آج کا دن، میں اس کو بڑی پازیٹو اور مثبت سمت میں دیکھتا ہوں۔ عدالت نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی۔ عدالت یہی بار بار کہہ رہی ہے کہ جی آپ اس کو جو بھی کرنا ہے ان کی ایکسٹینشن کے بارے میں، وہ قانون کے مطابق کریں، ضابطوں کے مطابق کریں۔ اب قانون اور ضابطے تو بڑے واضح ہیں، یہ سوابدیدی اختیار ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے وہ سمری بھجواتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آئین کے آرٹیکل 243 میں، اور صدر پاکستان اس کی تعیناتی کرتے ہیں، اور جب کوئی اپینین فارم کرنی ہوتی ہے یا ایڈوائس دینی ہوتی ہے پرائم منسٹر نے، تو وہ اپنی کابینہ سے اس کی پہلے منظوری لیتے ہیں۔ تو یہ سیدھی سی بات تھی، اس کی سمری موو کرنی تھی منسٹری آف ڈیفینس میں، وہ آنی تھی کیبنٹ میں، کیبنٹ نے اس کو اپروو کرنا تھا تو پرائم منسٹر نے اس کی ایڈوائس کر دینی تھی، اور پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن کی جو وہ منظوری دینی تھی۔ اب دیکھیں اس میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ تو یہ آرمی چیف کی کوئی اپنی خواہش تھی، کہہ رہی تھی کہ جو آپ 255 میں آپ جو امینڈمنٹ کر لائیں آرٹیکل 255 میں، کورٹس کا کہنا تھا کہ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں آرمی چیف سے۔ دیکھیں نیلم، 255 کا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا، واسطہ ہی نہیں تھا۔ 255 تو کوئی 50 سال سے جو ہے وہ قانون کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی 255 کے ہوتے ہوئے پہلے دو آرمی چیف جو ہیں وہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی، اسی طرح جنرل کیانی صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی، اس پہ تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی اگر لیگل ٹیم کو نہیں پتا تھا تو یہ وہی پرانی فائلیں نکال لیتے، جنرل کیانی صاحب کی فائل نکال لیتے، جنرل ضیاء الحق صاحب کی فائل نکال لیتے، اس سے رہنمائی لے لیتے، اور جو بعد میں قانون میں 18th امینڈمنٹ آئی ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ سمری تیار کرتے، اور ضابطے کے مطابق اس کو یہ پیش کرتے، اور ضابطے کے مطابق اگر یہ کام کیا ہوتا تو آج نہ کوئی انگلی اٹھتی، نہ سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھتا، نہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ہیئرنگ کرتی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نیلم، ایک بڑی میں یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کو اعتراض ہے، گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، نہ اپوزیشن کو اعتراض ہے، اپوزیشن کا کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کسی اور کو اعتراض، نہ عدالت کو اعتراض ہے۔ عدالت بار بار کیا کہہ رہی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو قانونی حکم دور کریں، آپ اس کو قانون کے مطابق کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیبنٹ کے اندر اتنے ان کے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لا منسٹر صاحب ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، اتنا تجربہ رکھتے ہیں وکالتی، اٹرنی جنرل صاحب اتنے سینئر وکیل ہیں، ان کے پاس لا منسٹری میں اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے کیوں بار بار غلطیاں کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے؟ رمضان چودھری صاحب، ہم آپ کی جانب آئیں گے، میں پہلے اپوزیشن کا بھی ویو لے لوں اس پر، پھر ہم حکومت سے پوچھیں گے۔ یہاں پر سینیٹر غوث محمد خان صاحب، یہ بڑا ایک کنسرننگ ایسپیکٹ ہے ایکچولی جو اس وقت ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی انتہائی اہم پوسٹ آرمی چیف کی، اور پھر ٹاپ لیول کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ پوسٹ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ پر اتنی غفلت جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اگر نظر آ رہی ہے، تو پھر نیچے کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے کیا انسان سوچ سکتا ہے؟ بٹ یہ جو آج ریمارکس چیف جسٹس صاحب کی جانب سے دیے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی غلطیاں کی گئی ہیں کہ ہمیں تقرری کو کل عدم قرار دینا ہوگا، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت نے ایک بار پھر غلطی کی، آرمی چیف کی سمری دوبارہ تقرری کی تھی اور ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا گیا۔ تو یہ اب یہاں پر سینیٹر غوث محمد خان صاحب، کس طرح سے دیکھا جائے اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ رمضان صاحب نے فرمایا، بات تو سب جوجس ہے، لیکن ہم اس کو حکومت کی تو کم از کم اس کی ذمہ داری بنتی تھی، اور جس طرح حکومت نے پرفارم کیا ہے یقیناً پوری قوم کے جو سر شرم سے جھک گئے ہیں، اور 22 کروڑ عوام جو ہے پریشان ہے کہ ہم کس کو ووٹ دے بیٹھے ہیں، اور جس کو کن حکمرانوں کو ہم نے اپنے آپ پر مسلط کر لیا ہے۔ دیکھو، اتنا آرمی چیف کی تعینیتی کا مسئلہ یا ایکسٹینشن کا مسئلہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ پورے ملک کا ڈیفینس آرمی چیف پہ آلموسٹ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جس طرح ہمارے خطے کے حالات ہیں، اور اس طرح جس طرح انہوں نے جو ہے، اور پھر آج جو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے، میں اس پہ بات کروں کہ تھوڑی سی، کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے قانون میں سکم چھوڑے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی والے یہ کس سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں؟ اور میں تو حیران ہوں کہ شاید بھائی میاں صاحب باہر چلے گئے، اس پاس بھی عدالتوں سے ناراض ہیں،
या और क्या आप आई डोंट नो कि ये मतलब आप तो ज्यादा में बोल भी नहीं सकते, लेकिन इनकम्पिटेंस की इंतहा कर दी इन्होंने। इसलिए तो हम चाहते हैं कि जी ये 16 महीने में इन्होंने मईशत को कहाँ पहुंचा दिया है। ये तो आर्मी चीफ का मामला देख लें, कोई मामला देख लें, और सिवाय झूठ और बोलने के। और फिर सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब जब ऑफिस आते हैं अपनी मीडिया टीम को बुलाते हैं और कहते हैं आपने फलां झूठ बोला है, फलां झूठ बोला है। कल ही इनकी शपथ सुमल के इंकशाफ हुआ था कि वजी अजम साहब ने कहा है अपने वो कुछ सीनियर साहब को कि आप जाएं और टीवी पे कहें कि बहुत बड़े गैस के जखायर दरख्त हो गए और वो 200 साल पाकिस्तान के लिए काफी होंगे, और डॉलर जो है वो अगले चंद दिनों में जो है वो 15 रुपए नीचे आ जाएगा। मतलब इस किस्म की बातें इनका पीटर से, तो जितना जल्दी हम तो लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो जेरे बहस मौजू है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, यहाँ पर अब आज की जो हेयरिंग है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत कब खत्म होती है और क्या मुद्दत खत्म होने पर आर्मी चीफ रिटायर्ड हो गए हैं। तो उस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मुद्दत खत्म नहीं हुई, नोटिफिकेशन में मुद्दत का जिक्र है, कोई भी आर्मी चीफ जिस वक्त तक अपनी कमांड हवाले नहीं करता उस वक्त तक वो रिटायर्ड नहीं होता। तो अब ये रिटायरमेंट कब मुकम्मल होगी, फिर क्या रीअपॉइंटमेंट होगी, और फिर चीफ जस्टिस ने ये भी उस पर कहा कि जो समरी आपने भेजी है उसमें दोबारा रीअपॉइंटमेंट का जिक्र किया है और जो एडवाइस दी गई है उसमें आपने अपॉइंटमेंट का जिक्र किया है और सदर की जानिब से जो है वो एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर 2 दिन हो रहे हैं, हम कल भी ऑब्जर्व करते रहे थे, कल जो जिन लीगैलिटीज को प्रोसीजरल लैप्सेस को पॉइंट आउट किया था कोर्ट्स ने, आज हुकूमत जाती है वो अमेंडमेंट कर देती है आर्टिकल 255 में, कोर्ट्स कह रहे हैं कि इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं आर्मी चीफ से। तो अब ये क्या अटॉर्नी जनरल जो है आज वो भी एक फेलियर नजर आए, वो सही तौर पर कोर्ट्स को मुतमईन नहीं कर सके? मैं देखिए कोई लॉ एक्सपर्ट हूँ नहीं कि इतने बड़े केस के मामले में मैं कमेंट करूं, लेकिन मैं जो कुछ चीज़ों पर परेशान हूँ जब टीम से देखता हूँ कि कोर्ट कुछ सवालात उठा रही है उसके जवाब क्या आ रहे हैं, तो उसमें से सबसे ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी आर्मी चीफ को अपॉइंट तो कर सकता है लेकिन उसके टेन्योर का किसी को कोई पता नहीं। अगर लॉ में ये लिखना है तो कोर्ट ने टाइम दिया था उसमें वो पूरा नहीं कर सके। फिर अगर रिटायर्ड वो होते हैं तो रिटायर्ड को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर उसके जो जो जिस तरीके से इन्होंने ये पूरी समरीज मूव की है, एक तो सोशल मीडिया पे आज जो लेटर चला वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक लेटर है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने सिंपली लिखा है कि मैं जनरल साहब को जो है इतने सालों के लिए एक्सटेंशन देता हूँ। तो इस किस्म की सूरत हाल है, ये कोर्ट में पहले होता रहा है, नहीं होता रहा है, इसके लिए कोई तरीकेकार तय नहीं किया गया है, तो कोर्ट तो यही कह रहा है तरीकेकार तय किया जाए। जहां तक बात है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे किसी को एतराज है किसी को नहीं है, हर एक जो है आर्मी चीफ के मामले पे मोहतात होकर बात करता है क्योंकि यहाँ का जो भी कारोबार चलता है उसमें आर्मी चीफ का जिस तरफ भी झुकाव होता है, जिस तरफ भी कोऑपरेशन ज्यादा होता है उसका बड़ा रोल रहता है। तो मैं तो समझता हूँ आर्मी चीफ एक जैसे हमारे बाकी बाकी सर्विसेज के हैं इस तरह से आर्मी भी एक अहम इदारा अपनी जगह से एक आर्मी चीफ है उसके लिए भी एक टेन्योर मुकर्रर होना चाहिए और वही टेन्योर होना चाहिए जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का है जैसे कि है, लेकिन उसके लिए तय शुदा है कि दोबारा इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। तो ये भी हमारे आर्मी चीफ के कोर्ट में मामला, लेकिन यहाँ पे तो अदालत ने ये भी कहा कि आर्मी चीफ के ओहदे को शटल कॉक बना दिया गया है और इस तरह तो शायद असिस्टेंट कमिश्नर की भी अपॉइंटमेंट नहीं होती। फैसल हयात खान साहब, अब ये कल से आई एम श्योर आप भी देख रहे होंगे, कल हम देखते हैं कि अमेंडमेंट होती है, आज वो पेश की जाती है, फिर कल फरूख नसीम साहब जो हैं लॉ मिनिस्टर वो रेजिग्नेशन देते हैं वॉलंटरली इसलिए कि वो आर्मी चीफ को के वकील बनकर आएंगे। अब जब आज फरूख नसीम साहब जो हैं वो उनका लाइसेंस जो है वो बहाल ही नहीं होता और लाइसेंस बहाल ना होने पर वो आर्मी चीफ के वकील बनकर केस की हेयरिंग भी नहीं कर सके, तो इस तरह से अब ये भी जाहिर नहीं हो पाया कि आर्मी चीफ इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो ये लैप्सेस क्यों हो रहे हैं? फरूख नसीम साहब को क्या मालूम नहीं था कि उनका लाइसेंस जो है वो नहीं होगा इस काबिल के वो उनको रिप्रेजेंट कर सके? फिर जो अमेंडमेंट की गई वो आज कोर्ट्स कह रहे हैं कि इसका तो आर्मी चीफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये हुकूमत की जानिब से आर्मी चीफ की
जो एक्सटेंशन है सर्विस के हवाले से जो वजूहात बताई जा रही हैं वो कोर्ट्स को एक्सेप्टेबल नहीं लग रही, तो इस गफलत का किसको हम जिम्मेदार ठहराएं? वो भी इतनी हाई एंड जो पोस्ट है उसके हवाले से अगर हुकूमत की जानिब से ये गफलत हो रही है तो फिर जो पूरा पंजाब की अपॉइंटमेंट्स हैं या जो पूरे मुल्क की अपॉइंटमेंट्स हैं उस हवाले से किस तरह से आप पर रिलाई किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने इदारों के हवाले से उनके एहतराम जो है वो चाहे जुडिशरी हो चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो या कोई और इदारा हो उसका एहतराम को हमेशा मुकदम जो है बनाया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। आज जो डिबेट हो रही है मैं समझता हूं कि ये डिबेट किसी हद तक ठीक है इस हवाले से कि उसके प्रोसीजरल जो तरीकाकार है उसके हवाले से तो क्रिटिसाइज जो है किसी हद तक बनती है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कानून के मुताबिक ना हो और आइन के 1973 के आइन के मुताबिक जो है वो काम हुआ है। एक्सटेंशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन और न सिर्फ ये एक्सटेंशन जो है वो पहली दफा दी गई है, 6 से 7 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑलरेडी एक्सटेंशन दी गई है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है और किसी हद तक इस बात कि ये बात पहले क्योंकि जेर गौर नहीं आई गई और इस पर किसी ने ना एतराज़ किया और ना एतराज़ होने की वजह से जो गलतियां पीछे हुई वो दुरुस्त ना हो सकी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं गलतियों की निशानदेही की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहीं भी नहीं कहा कि आपने जो यह एक्सटेंशन दी है ये एक्सटेंशन आपने गलत किया या इदारे के हवाले से को उनके ऐसे तहफ़ुज़ात कतन नहीं थे। जिस तरह के जस्टिस रिटायर रमजान चौधरी साहब ने बात की ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने जो उसका प्रोसीजर था उसके हवाले से जो इशूज थे उनको ठीक करने के हवाले से बात की गई है। और जो दूसरी आपने बात की फ़र्क़ नसीर, उन्होंने अपनी मर्जी से कल कैबिनेट में परसों जो है वो रिजाइन इसलिए दिया कि ताकि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का केस कॉन्टेस्ट कर सकूं। आज ये बात भी दुरुस्त है कि जब वो रोस्टम पे आए तो कुछ वकला ने वहां एतराज किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अभी आपकी बारी नहीं आई, जब आपकी बारी आएगी तो आपको बाकायदा तौर पर समाप्त किया जाएगा। और फरुक नसीम साहब का जो लेसन है वो उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि वो बहाल हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये जो वक्ती तौर पे परेशानी आई है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो कानून के मुतसादम हो, जो भी तरीकाकार अडाप्ट किया गया है कानून के मुताबिक अडाप्ट किया है, अलबत्ता उसमें जो सुकम है वो जरूर ठीक किए जाएंगे और उनको ठीक करने की जरूरत है, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये लैप्सेज हुए क्यों, प्रोसीजरल लैप्सेज हुए ही क्यों, ये पहले से क्यों नहीं अंडर कंसिडरेशन रखे गए? इससे तो फिर केयरलेसनेस जाहिर हो रही है। यहाँ पर जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब, अब ये जो मामला हमारे सामने है इस वक्त हुकूमत जो रीजनिंग दे रही है उस पर क्या आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो 3 साल की ही एक्सटेंशन कर देगी या मुद्दत पर सुप्रीम कोर्ट ही अब इस एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ही अब फैसला देगी? यहां से आगे कैसे जाता हुआ मामला नजर आएगा जबकि कल एक आखिरी दिन है, उसके बाद तो उनकी जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। देखें, ये आर्मी चीफ साहब की जो एक्सटेंशन है ये एक बड़ा हसास किस्म का मामला है और ये उन अपॉइंटमेंट्स है जिनको बड़ी मुकद्दस समझा जाता है मुल्क में, जो बड़े अपॉइंटमेंट्स है इसमें कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई मामला खराबी की तरफ जाए, ना अदालत चाहेगी ना हुकूमत चाहेगी ना अपोजिशन चाह रही है ना कोई और चाह रहा है। अब सिर्फ बात यह है कि वे फॉरवर्ड क्या है, अब हमें करना क्या है इसमें। इसमें हुकूमत को खुले दिल से बैठना चाहिए और जो इसमें कमी कुताही रह गई है बाद में उसके जिम्मेदारान का भी तयन जरूर करे गवर्नमेंट, इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और जिसने भी ये गलती की है जानबूझ के की है या उससे सहवन हुई है इसका तयन बाद में किया जाए और किया जाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी गलतियां हुकूमत ना करे। लेकिन अब वे फॉरवर्ड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दे दी हैं कल की हियरिंग में और आज की हियरिंग में, इसमें एक नई समरी जो है अमेंडेड समरी वो दोबारा कैबिनेट से अप्रूव हो गया, अभी टाइम है, कल का दिन है, वो सदर मुमलकत को जाए और अगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक दोबारा नोटिफिकेशन हो जाए एक्सटेंशन का तो मेरा ख्याल है कि यह मसले का हल निकल सकता है। आगे अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर देखेगी
कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या कानून साजी होनी चाहिए और कानून में जो लैप्सेस नज़र आ रही हैं, जो लैकूनाज नज़र आए हैं, जो कानून में अभी मुशगाफियाँ सामने आई हैं और जो 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 बातें डिस्कस हुई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इनके ऊपर एक अथॉरिटेटिव जजमेंट देगी ताकि आने वाले वक्तों में ये मामला वंस फॉर ऑल रिजॉल्व हो जाए कि क्या एक्सटेंशन जो है ये होनी है आइंदा या नहीं होनी, होनी है तो उसकी क्या उसके क्या पैरामीटर्स होंगे और आइंदा एक्सटेंशन जो है किस तरह दी जाएंगी। ये हमें इससे बहुत सी नज़ीरें मिलती हैं। एक तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि जनरल कियानी साहब की एक्सटेंशन की नज़ीर मौजूद है, जनरल ज़ियाउल हक़ साहब की एक्सटेंशन की हमारे पास मिसाल मौजूद है और इसमें कई रिपोर्टेड केसेस हैं। जिस तरह अल जिहाद ट्रस्ट का केस है, उसमें यह तय हुआ था कि जो काम हो चुके होते हैं उनको वैलिडेशन दे दी जाती है। तो इसको मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट ये अपनी गलतियाँ दूर करके आज कल सही नोटिफिकेशन लेके अदालत में पेश कर देती है तो ये मामला उनकी एक्सटेंशन वाला तो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आइंदा के लिए मेरा ख्याल है अदालत ज़रूर कोई इसके ऊपर जो अथॉरिटेटिव एक जजमेंट देगी और आइंदा के लिए रहनुमाई कर देगी सबकी, और अगर कोई लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है तो उसकी रहनुमाई भी अदालत करेगी कल ज़रूर। इसको अदालत अब इस तरह नहीं छोड़ेगी इस मामले को, अब चूंकि मामला ये उठ चुका है तो इसके ऊपर एक जजमेंट जरूर आएगा। यहाँ पर सेनेटर गौस मोहम्मद खान साहब जी, रमजान चौधरी साहब आपकी जानिब आएंगे। गौस मोहम्मद खान साहब, अब ये चीफ जस्टिस ने आज एक और बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन में 3 साल की मुद्दत कैसे लिखी गई, अगर 3 साल की मुद्दत है तो कहाँ है, ये सवाल किसी ने नहीं उठाया। तो अब ये मामला वाजे होना चाहिए, मामला हमारे पास आया है तो तय कर लेते हैं। तो अब ये जो रिमार्क्स है अगर इनको देखा जाए तो इस पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब इस केस में आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है क्या वो भी तय कर ली जाएगी। और फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा था कि आर्टिकल 255A कहता है कि अगर जंग हो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी भी रिटायरमेंट को रोक सकता है और जो ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के उनको वापस जो है बुला सकता है। और यहाँ पर जो वजीर आजम है वो आर्मी चीफ को वापस बुला रहे हैं, उनकी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, क्या फरमाइएगा? हाँ बिल्कुल जी, जस्ट साहब यही फरमाया कि आप सीसद की को तो वापस लेने का तरीका कार तो है लेकिन आर्मी चीफ का उसमें नहीं है और उसमें मुद्दत का भी तैयार नहीं है कि एक टर्म केटी टर्म सिर्फ मेंशन है, टर्म कितनी होगी इसका मेंशन नहीं है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि आज तक इस जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, कैबिनेट ने पास किया और 11 के साइन थे बाकी नहीं थे। हमारा रापता डिस्कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर सेनेटर ज्ञानचंद साहब आपकी जानिब आते हैं, आज जब ये बहस हो रही थी समाप्त के दौरान और तो अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि 1948 से आज तक तमाम जो आर्मी चीफ हैं उनकी ऐसे ही अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो ये क्या अब क्लैरिटी जो है वो आ पाएगी? जो अदलिया जिस तरह से बैठ गई है और वो कह रही है कि हम तय कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स या कल के बाद से क्लैरिटी आ जाएगी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होने ना होने रिटायरमेंट के हवाले से? कि आर्मी चीफ क्या जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया है और हमारा सबसे बड़ा आला इदारा है वो जो आईन की कानून की तशरीह कर सकता है, तो यकीनन वो इस केस को रिजॉल्व कर देंगे, वंस फॉर ऑल उसके लिए गाइडलाइन दे देंगे कि आइंदा के लिए क्या होना है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो अब का है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, इनकी अहलियत पे क्वेश्चन मार्क जो आया है, जो हम नाही कहते हैं उन्होंने साबित करके दिखाया। फिर वही लॉ मिनिस्टर जिसने प्रेसिडेंट साहब को सबरी मूव की थी कि इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान जो हैं वो आप गैर आईनी तौर पे मुकर्रर कर दो, फिर ये जो सबरी मूव हुई है ये लॉ मिनिस्टर के थ्रू में उसी को ही रिजाइन करवा के वहां के भेज दिया गया। इस किस्म के नाहिल लोगों को अगर गवर्नमेंट तुमसे हाथ नहीं उठाएगी और किसी कलेक्टिव विजडम की तरफ नहीं जाएगी तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी जो बात क्या करें, वो जो जब बोलते हैं जब बात है, तो असल इशू है इन इस गवर्नमेंट के गवर्नेंस का और इस गवर्नमेंट के इदारों को अहमियत देने का। आर्मी चीफ की मुकर्री है उस पर इन्होंने क्या किया है, पार्लियामेंट को उसको क्या अहमियत दे रहे हैं वो भी दुनिया के सामने है, बाकी लोगों को भी इवन पार्लियामेंट के जो इन्होंने कैबिनेट बनाई है वो किस तरह से बनाई है, उसमें कौन कौन लोग उनको बिठा दिया है, जिसने दूसरी पार्टी को छोड़ कर वो आ गया इनके पास,
वो बड़ा माहिर हो गया, वो बड़ा अच्छा हो गया, वो ग्रीन हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट की जिस जगह पे भी आप देखेंगे, पंजाब को देखो, 5 IT एक साल में चेंज हो चुके हैं, रोजाना 3 से 4 IT चेंज हो रहे हैं। ये क्या छोटी छोटी पोस्टें हैं? आखिर 2 दिन हो चुके हैं, क्यों मुतमईन नहीं कर पा रही हुकूमत अदलिया को आर्मी चीफ की सर्विस एक्सटेंशन के मामले को लेकर? नाज़रीन स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से, जो कि अदालती कार्रवाइयों का ही दिन नजर आया, जहां पर एक तरफ फॉर्मर आर्मी चीफ के केस का फैसला सामने आता है, तो वहीं पर जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी एक्सटेंशन, जो उनकी सर्विस की एक्सटेंशन है, उसके मामले को लेकर जो है अदलिया एक बार फिर थोड़ा सा जो है बरहम नजर आई। अब सवालात ही उठाए जा रहे हैं कि क्या अदालत इससे आइंदा के लिए एक प्रोसीजर सेट कर सकती है जिसे हुकूमत कानून में शामिल कर दे, ताकि आइंदा के लिए एक बाकायदा तौर पर तरीक़ेकार जो है वो वज़ह हो जाए। और फिर आज की हेयरिंग के दौरान हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि ऐसी गलतियाँ की गई हैं कि हमें तकर्रुरी को कल अदम करार देना होगा। अब चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने एक बार फिर गलती की, आर्मी चीफ की समरी दोबारा तकर्रुरी की थी और एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया। तो ये हुकूमत की जानिब से इस किस्म की नेग्लिजेंस जो है जो देखने में आ रही है, वो भी एक हाई एंड अपॉइंटमेंट के हवाले से, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। और फिर क्या आइंदा के लिए अदलिया कोई ऐसा तरीक़ेकार जरूर वज़ह करती हुई नजर आएगी? अब कल जो हेयरिंग हमारे सामने होगी, कि उससे आइंदा के लिए ये तमाम जो खदशात हैं या जो डाउट्स हैं एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट के हवाले से, वो उसमें क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पर फैसल हयात खान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने तमाम जो गेस्ट पैनल है उनका पर्सपेक्टिव सुना था, अब ये जो हमारे सामने आज अभी हम देख रहे हैं कि वजीर आजम का एक हंगामी सेशन भी हो रहा है, उसमें वो अपनी लीगल टीम के साथ बैठे हुए, और उनके साथ जो है वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या इस वक्त डिसाइड किया जा रहा है जो कि कल कोर्ट्स के सामने आएगा और शायद मसला किसी कल बैठता हुआ नजर आएगा? देखिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, इस मैं समझता हूं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर कोर्ट कोई इस लीगल प्रोसीजर जो है उसमें अडॉप्ट करने में अगर कोई लकूना रह भी गया है तो कोर्ट उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, कोर्ट उस पर बता रही है कि आप इस लकूने को जो है कानूनी जो आप प्रोसीजर है इसको ठीक करें और इसमें बेहतरी लेके आए, और ये पॉजिटिव साइन है। अगर कोर्ट समझती है कि इसको वन फॉर ऑल जो है इसको एक पैरामीटर्स बना दिए जाएं या इसके लिए फर्दर कोई लेजिस्लेशन की जरूरत है, तो जिस तरह रमजान साहब ने पहले ही बड़ी खूबसूरत बात की, तो ये तो एक दफा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट हो जाएगा, और होने के बाद अगर इसमें कोई कानूनी तौर पर लकूना उसकी लेजिस्लेशन की जरूरत है तो वो पार्लियामान में चला जाएगा। तो इस तरह की अगर डिबेट में कोई नेगेटिव एलिमेंट्स अगर कोई समझ रहा है तो मैं समझता हूं कि ऐसी कतन कोई बात नहीं। और आज इस वक्त जो इजलास प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के चेयर में चल रहा है, तो उसमें भी कानूनी टीम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्यादत और आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पे मौजूद हैं, तो उसमें भी मैं समझता हूं कि यही चीज डिस्कस हो रही होगी कि अगर इसको वंस फॉर ऑल इस मैटर को हल होना चाहिए कि जो पैरामीटर्स जो है सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्ट करती है उसको दूर किए जाए, ताकि जो है आइंदा से इस तरह का कोई मसला दरपेश ही ना हो और सिलसिला जो है वो आगे कंटिन्यू रहे। यहाँ पर लीगैलिटीज के हवाले से जो सवाल उठ रहा है यहाँ पर रमजान चौधरी साहब के, जैसा कि आज कहा गया है अदालत में कि ऐसी गलतियां की गई हैं कि हमें तकर्रुरी को कल अदम करार देना होगा, क्या अगर कोर्ट्स इस अपॉइंटमेंट को कल अदम करार दे देती हैं तो फिर उसके बाद का आगे का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है पॉसिबल? मेरा ख्याल ये है कि जो अदालत के सामने इस वक्त एक्सटेंशन की जो आर्डर है या समरी है, बात उसके बारे में हो रही है। अगर आज बैठ के काबीना के लोग और गवर्नमेंट सारी बैठ के सर जोड़ के अगर उसमें तस्दीक कर लेती है और उसकी जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं उनको दूर करके कल एक प्रॉपर नोटिफिकेशन के साथ आती है, तो जो पहला नोटिफिकेशन अदालत के सामने इस वक्त देखा जा रहा है उसकी तो हैसियत ख़त्म हो जाएगी। अगर नया नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक ज़ाब्ते के मुताबिक आ जाता है तो फिर मेरा ख्याल एक वे फॉरवर्ड ये है अदालत के पास कि अदालत ये कहेगी कि जी ये बात तो जो पिछली जितनी ऑब्जर्वेशन थी
ये उन नोटिफिकेशन के बारे में थी जो जिनमें अभी कानूनी हुक्म थे। अब जो नोटिफिकेशन बगैर हुक्म के आएगा, देखें इसमें एक बुनियादी सवाल ये है, बुनियादी सवाल ये है कि आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं है, ना अदालत ने को अभी तक एतराज़ ऐसा उठाया है, ना गवर्नमेंट को कोई एतराज़ है, ना अपोजिशन की तरफ से कोई एतराज़ है, ना मुल्क का कोई और ऐसा तबका है जो इस पर कोई एतराज़ उठा रहा है। अब एतराज़ सिर्फ इस बात पर है कि जो तरीकाकार अडाप्ट किया गया उसमें कोई हुक्म रह गए, उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस रह गई, अगर वो दूर करके उनको रेक्टिफाई करके एक प्रॉपर नोटिफिकेशन कल कोर्ट के सामने रख दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई रास्ता निकल आएगा। और कोर्ट को बहरहाल ये आइंदा के लिए तो जो है पैरामीटर्स जो हैं वो सेट करने होंगे, मुझे बहुत कम इम्कान नज़र आ रहा है इस बात का कि अदालत इस आखिरी हद तक जाएगी कि इस प्रोसीजरल लैप्सेस की बिना पे उनकी जो एक्सटेंशन की जो नोटिफिकेशन है उसको ही ख़त्म कर दें, कालअदम कर दें। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो ज़ाहिर है नए आर्मी चीफ साहब की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर आइन में और रूल्स ऑफ बिजनेस में है उसको अडाप्ट करके फिर नई तैनाती होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मामला इस तरफ जा रहा है। अदालत की जो आज की ऑब्जर्वेशन हैं, जो कल की ऑब्जर्वेशन हैं, वो हमें ये इस हमारी रहनुमाई कर रही हैं कि अदालत बिल्कुल पॉजिटिव रुख में जा रही है कि हुकूमत से अगर नादानी में या दीदा दानस्ता या किसी भी वजह से कोई अगर गलती रह गई है, कोई प्रोसीजरल लैप्सेस रह गए हैं तो उनको दूर करके ले आएँ। अब कल जब इसको दूर करके ले जाएंगे तो मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर रुख में जो है वो जो जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि तो इतना बड़ा क्राइसिस नहीं पैदा होगा, ये फिर ये तो बड़ा एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा इस तरह। अगर यहाँ पर फिर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब, ये जो फिर आज का हुकूमत का होमवर्क था सारा, जो हमने कल देखा हंगामी सेशन कल भी बुलाया गया कैबिनेट का और फिर जो अमेंडमेंट की गई है, तो वो तमाम होमवर्क जो है वो रायगाई जाता हुआ नजर आया है। गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है, हमारा कांटेक्ट नहीं है उनसे इस पर। ज्ञानचंद साहब फिर क्या फरमाइएगा, क्या ये जो हमने अभी जैसे कि रखा कि हुकूमत का जो सारा होमवर्क था कल का, फिर आज वो कोर्ट्स में वो रायगाई जाता हुआ नजर आया है, अब दोबारा से इस वक्त भी एक और हंगामी सेशन हो रहा है और पीएम इस वक्त अब लीगल टीम के साथ बैठे हुए हैं, आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद है, क्या कल कोई बेहतर होमवर्क लेकर हुकूमत जाती हुई नजर आएगी? ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर लॉज जो है वो कोई चीज लेके जाए ताकि ये इशू जो है ना वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, लेकिन ये आईन को अहमियत नहीं दे रहे हैं। ये इन्होंने जो भी डिसीजन किए हैं जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो उनको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर होकर किया है। प्राइम मिनिस्टर को जो अच्छी चीज लगती है वो उसके लिए समझते हैं कि ये मेरा ऑर्डर जो है फाइनल ऑर्डर है, उसमें कोई कानून सामने नहीं आना चाहिए, जिसके लिए जो हम 18th अमेंडमेंट के हवाले से कह रहे हैं, सीसीआई के इजलास नहीं हो रहे हैं और काफी चीजें हैं जिसपे ये अमल नहीं कर रहे हैं। अभी एक फैसला जो किया कि हम कराची के मेट्रोपोलिटन को डायरेक्ट पैसे देंगे सिर्फ गवर्नमेंट को बायपास करते हुए, इसके सबके यहाँ पे भी उन्होंने ये किया कि क्योंकि हम चाहते हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो जाए, इसलिए इन्होंने जरूरत ही महसूस नहीं की कि कानूनी और प्रोसीजरल चीजों की तरफ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे प्रोसीजरल क्वेश्चन उठाए हैं वहाँ पे एक दो चीजें गौर भी की है कि एक्सटेंशन करना क्यों जरूरी है, वो हालात कैसे हैं, उसके लिए आप क्या समझते हैं। अगर इस तरह के हम फैसले करेंगे तो फिर हर एक जो है वो कमांडर, हर एक अफसर वो यही कहेगा कि भाई मेरी तो जरूरत है इसलिए मेरी एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट हम इस पर नजर रखेंगे। ठीक, हम कल हमें इंतजार रहेगा कि क्या ऐसा सॉल्यूशन जो है वो सामने आता है कि जिस पर सब मुत्तफिक होते हुए नजर आए, और फिर क्या आर्मी चीफ जो है उनकी एक्सटेंशन होती ही हमें नजर आएगी या शायद कोई नया आर्मी चीफ आता हुआ नजर आएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। मूविंग ऑन, हम अपने आज का एक और जो केस सामने आता है अदालती कार्रवाइयों के हवाले से उसकी जानिब बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ स्पेशल कोर्ट्स का महफूज करदा फैसला था उसको रोकने पर फैसला सुना दिया गया और कोर्ट्स ने स्पेशल कोर्ट्स को फैसला सुनाने से रोक दिया और फैसले में कहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो दिसंबर 5 तक प्रोसिक्यूशन टीम अपॉइंट करे और फिर खसूसी अदालत जो है वो फरीकैन को दोबारा सुनकर फैसला दे और इसके अलावा परवेज मुशर्रफ के जो लॉयर है उनको भी सुना जाए। तो यहाँ पर हम रमजान चौधरी साहब, आज का ये जो दूसरा बड़ा फैसला है, जो दूसरा बड़ा केस जिस पर सबकी नजरें थी, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं?
मैं समझता हूँ आज देखें अदलिया ने बहुत बड़ा ये फैसला दिया और बड़े दिल से दिया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब वो शख्स हैं जिन्होंने एमरजेंसी लगा के जजेस को कैद किया, जजेस को उनके उहदों से हटाया, चीफ जस्टिस साहब को उनके उहदे से हटाया और एक बहुत बड़ी वकला तहरीक ने जन्म लिया, फिर जिसके बाद जजेस जो थे बहाल हुए। आज उसी जुडिशरी के पास जब उनका ये मुकदमा गया है कि जी मुझे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चाहिए, मुझे राइट ऑफ हेयरिंग नहीं प्रॉपर मिला गया या मेरी सही तरीके से सुनवाई नहीं हुई, तो आज अदालत ने बहुत बड़ा दिल करके आज उनकी बात मानी और उन्हीं जज साहब ने मानी जिनको उन्होंने उहदों से हटाया था और उन्होंने रोक दिया जो वो खसूसी अदालत है कि आप अभी फैसला ना करें, आप इनको सुने पूरे तरीके से, इनके वकील साहब को सुने और हुकूमत को भी कह दिया कि आप अपनी नई प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो 5 दिसंबर तक आप अपना उसका इंतखाब कर लें, उसको अपॉइंट कर दें और उसके आगे फैसले में ये लिखा कि आप पूरा इनको ड्यू प्रोसेस दें। अब आइन के अंदर आर्टिकल 10A है जिसमें यह लिखा है कि किसी का भी मुकदमा हो, कोई भी फ़र्द हो, उसका फौजदारी मुकदमा हो, उसका दीवानी मुकदमा हो या उसका कोई भी केस किसी भी अदालत में हो, तो उसको प्रॉपर जो सुनवाई है, जो ड्यू कोर्स है, जो उसका जाब्ता है, उसकी पूरी पैरवी की जानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा फैसला आज आया है, तो इससे ये नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये केस। अदालत ने आगे ये भी कह दिया कि इसको आप स्पीडीली करें और थोड़े वक्त में आप ये इसका इसकी कार्रवाई मुकम्मल करें अभी तक और इसके ऊपर इसको मंत्री अंजाम तक लेके जाएं। समाते तो हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर सेनेटर ग्यान चंद साहब क्विकली हमें बताइएगा कि यह परवेज मुशर्रफ साहब को एक फेयर ट्रायल का जो है वो हक दिया जा रहा है इस फैसले को महफूज करके और उसको ना देकर और दोबारा से उनको जो प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो दी जाएगी, तो ये सही ग्राउंड पे फैसला आया? एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं इससे सही ग्राउंड पे उसकी बात नहीं कर सकता। मैं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बात कर सकता हूँ कि परवेज मुशर्रफ ने आइन शिकनी की थी। परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पे जजेस के साथ क्या किया, यहाँ के जमहूरियत के साथ क्या किया, यहाँ के पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ क्या 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 किया, उसके जो गुनाह है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। उनको एक फैसला आना था, वो फैसला आ जाता, फिर उसको अगर फेयर वो कहते हैं इसको एतराज आते हैं मुझे मौका नहीं मिलेगा तो अपील में यहाँ पर फैसल हयात खान साहब इस केस के हवाले से हुकूमत आखिर क्यों फरीक बनती नजर आ रही है इस केस को लेकर? परवेज मुशर्रफ को फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो हुकूमत क्यों फरीक बन गई इस केस में? देखिए फेयर ट्रायल का हक जो है ये हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है और आपको जिस तरह याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के केस में जब नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला था तो वो जब वापस आया तो उनकी जो सजा थी वो सस्पेंड कर दी, मुअत्तल कर दी गई थी। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको अपने फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए और ये एक दुरुस्त फैसला है और मैं समझता हूँ इसका इम्पैक्ट बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हयात खान साहब, रमजान चौधरी साहब, ज्ञान चंद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज का दिन भी भरपूर रहा कोर्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से और कल का दिन भी बड़ा अहम है। हम आपको अपडेट रखेंगे, आज के लिए इतना ही। सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।